हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल क्लियर सूप। इसे बनाना बहुत आसान है और घर में मिलता ही इंग्रेडिएंट से बन जाता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल क्लियर सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वेजिटेबल स्टॉक। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल स्टॉक तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम बनाएंगे सूप। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक पैन, गैस ऑन कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं करीबन 1 लीटर पानी ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है और इसे उबलने देते हैं। वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अनियन के छिलके। तो इस टाइप के अनियन के छिलके जो हम लोग फेंक देते हैं, तो इसे धो के आपको लेना है। इसके अलावा मेरे पास है कैबेज के पत्ते जो हम ऊपर का पार्ट निकाल देते हैं और ये है कैबेज का हार्ड पार्ट जो हम लोग इसे भी फेंक देते हैं, ओके। और इसके अलावा मेरे पास है ब्रोकली का ये हार्ड पार्ट जो पीछे का पार्ट रहता है वो। थोड़े से मेरे पास है स्प्रिंग अनियन मीन्स हरे प्याज के पत्ते। इसके अलावा कैरेट के छिलके या आप कैरेट का जो पीछे का पार्ट रहता है वो मोस्टली हम लोग फेंक देते हैं क्योंकि वो हार्ड पार्ट रहता है, वो जल्दी से कुक नहीं होता है, तो वो भी मैंने लिया हुआ है और इसे भी मैंने पतला पतला कट कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास है कोरिएंडर की स्टेम, तो ये भी मैंने बहुत सारा लिया हुआ है क्योंकि इसी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा मेरे पास है अदरक के छिलके। हम जो छिलके अक्सर फेंक देते हैं या तो इसे धो के चाय में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम वेजिटेबल स्टॉक में भी यूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है एक जो स्वीट कॉर्न आता है, इसके ऊपर का जो ये बाल रहता है वो मैंने लिया हुआ है। और ये वाला जो है वो बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप इसे खास यूज़ करें। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है ग्रीन टी के पत्ते, तो ये भी मेरे गार्डन में थे तो मैंने इससे बहुत सारा लिया हुआ है, तो इसे भी मैं हाथ से इस तरह से तोड़ के लेने वाली हूँ। ये सारे वेजिटेबल्स जो हम फेंक देते हैं इसी से वेजिटेबल स्टॉक बनाएंगे और इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है और इसके बाद हम गर्म पानी में डालेंगे। तो यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, तो ये मैं सारे इंग्रेडिएंट्स गर्म पानी में डाल रही हूँ और इसी से हमारा जो पानी है वो एकदम फ्लेवरफुल बनेगा और सूप भी इतना ही टेस्टी बनेगा। आप देख सकते हैं प्याज का जो पीछे का पार्ट रहता है अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम पानी में डाल देते हैं और एक बार इसे हिला देते हैं और स्लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक इसे हम उबालेंगे ताकि सारे वेजिटेबल्स का फ्लेवर्स पानी में आ जाए और वेजिटेबल स्टॉक हमारा एकदम फ्लेवरफुल बने। तो इसे स्लो फ्लेम पर हम 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे और ये जो पानी है इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे इस तरह से पकाएंगे। अभी ये वाला जो स्टॉक है इसे आप छान के इसके बाद इसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो आप खास ध्यान रखें इसे फ्रिज में स्टोर करें, बाहर ना करें। अब मैं इसे अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, तो अभी मैं इसे ढक देती हूँ। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है। स्टॉक हमारा रेडी है, गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे छान लेते हैं। अभी हमने जो वेजिटेबल स्टॉक तैयार किया था इसे छान लिया था, तो इसमें से मैं आधा वेजिटेबल स्टॉक अभी यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे वापस गर्म कर रही हूँ। आज हम वेजिटेबल सूप बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, ओके। तो इसके लिए हमें वेजिटेबल्स को एकदम ग्रीन रखना है ताकि हम जब सूप सर्व करें तो वेजिटेबल्स हमारा एकदम ग्रीन कलर का दिखे और फ्रेश दिखे। तो इसके लिए एक टेक्निक है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वेजिटेबल स्टॉक को गर्म कर रही हूँ। हम वेजिटेबल सूप में बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, तो हम इसे पार्बॉइल करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बीन्स, तो इसे मैंने एकदम फाइनली चॉप किया हुआ है, 1/4 कप है। सबसे पहले हम ये डालेंगे क्योंकि ये कुकिंग टाइम ज़्यादा लेता है और फ्यू सेकेंड के बाद हम इसमें डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ गाजर, तो ये भी मैं 1/4 कप ले रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेबी कॉर्न, तो फ्यू सेकेंड के बाद बेबी कॉर्न भी डाल देते हैं, ये भी कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेता है।
जस्ट एक उबाल आने देंगे। ऑलरेडी हमारा स्टॉक थोड़ा सा गर्म ही था तो ये जल्दी से कुक हो जाता है। वेजिटेबल्स हमें थोड़े से क्रंची रखना है इसलिए हाई फ्लेम पर ही इसे पाबॉइल करेंगे। ये वाला जो सूप है इसमें थोड़ा सा मेहनत है, पर इस तरह से बनाएंगे तो वेजिटेबल्स एकदम ग्रीन ही रहेगा और सूप भी आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। हम लोग तड़के में वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आपको वेजिटेबल्स सूप में आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें केबेज डाल देती हूँ और वो भी मैंने 1/4 कप लिया हुआ है। इसे फ्यू सेकेंड के लिए बॉईल करना है और इसके बाद तुरंत ही हम निकाल देंगे। और जब भी आप बॉईल करें तो आपको हाई फ्लेम पे करना है और तुरंत ही छान लेना है। तो आप देख सकते हैं एक उबाल आ चुका है और गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे छान लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, तुरंत ही इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि वेजिटेबल्स का जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए और वेजिटेबल्स भी एकदम ग्रीन रहेंगे। वेजिटेबल्स 100% ठंडा हो जाना चाहिए, आपको उतना ठंडा पानी डालना है। और इसके बाद हम इसे बॉल में निकाल देंगे। वेजिटेबल्स भी हमारा रेडी है, स्टॉक भी हमारा रेडी है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून बटर और इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ 1/2 टीस्पून तेल। यहाँ पे तेल और बटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जस्ट वेजिटेबल्स जस्ट थोड़ा सा सोते हो उतना ही आपको तेल या बटर लेना है। अभी मैंने बटर के साथ तेल लिया है ताकि बटर है वो जले नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ अनियन। यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ का लिया हुआ है। इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ 1 टेबलस्पून रफली क्रश किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। मिर्ची का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। ये जो हमने अदरक हरी मिर्ची और लहसुन डाला है वो थोड़ा सा पक जाए, मीन्स इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, तब तक इसे सौते करेंगे। अगर आपके पास सैलरी हो तो आप सैलरी भी डाल सकते हैं। अब वेजिटेबल स्टॉक जब भी बनाए तब आपके पास सैलरी हो तो सैलरी के पत्ते, आप बेजिल की स्टेम वो सब भी डाल सकते हैं, इसी से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। पर ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। लाइट गोल्डन कलर आए तब तक हम पकाएंगे। एकदम स्लो फ्लेम पर आपको कुक नहीं करना है, वो आपको खास ध्यान रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और इसी के साथ 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लाल शिमला मिर्च और इसे भी हल्का सा हम पका लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं वेजिटेबल स्टॉक। यहाँ पे मैं वेजिटेबल स्टॉक 3 कप ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। ब्लैक पेपर डाल देते हैं। अब जब भी ब्लैक पेपर ले तो फ्रेश क्रश करके ही आप ले, तभी जाके इसका अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ और मैं कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना रही हूँ, तो मैं दोनों अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी हमारी रेडी है। अभी मैं ये जो सूप है इसमें डाल देती हूँ। अभी मैं 3 टेबलस्पून डालूँगी, ज़रूरत पड़ेगी तो और मैं डालूँगी। अभी 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आपको वेजिटेबल्स जो भी पसंद है वो डाल सकते हैं। अभी हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे
यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इस टाइप के दो मैगी क्यूब जो इजीली मार्केट में मिलता है और ये सूप में बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं ये डाल रही हूँ। तो इस टाइप के मुझे दो डालना पड़ेगा इसमें, तो ये सीजनिंग क्यूब से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं और इसी से भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ऑलमोस्ट सूप हमारा रेडी है, इसे अच्छे से बॉईल करें तब जाके इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं सूप पतला लग रहा है, तो और मैं कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड कर रही हूँ, तो मैं पूरा मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से उबाल देते हैं। सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं बॉईल किया हुआ कॉर्न। तो यहाँ पे मैं दो टेबलस्पून ले रही हूँ। कॉर्न का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, यहाँ पे मैं दो टेबलस्पून डाल रही हूँ। स्प्रिंग अनियन एक टेबलस्पून। सूप हमारा रेडी है, गैस ऑफ करके मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ। आप नींबू की जगह विनेगर भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नींबू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं। तो हेल्दी सूप हमारा रेडी है। अब इसे सर्विंग बाउल में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये वेजिटेबल्स है वो कितने एकदम ग्रीन और फ्रेश लग रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट सूप में डाल देते हैं तो ये इतने अच्छे वेजिटेबल्स नहीं लगते हैं और क्रंची भी नहीं लगते हैं। जब हम सूप पियेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत क्रंची और बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मैं इसे बॉल में निकाल देती हूँ। तो जब भी सर्व करें तो इस तरह से आप सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी सूप लगेगा। हेल्दी एंड टेस्टी वेजिटेबल क्लियर सूप हमारा रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।